मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण दिया है, एंड जितने युवा जितने बेनिफिशरीज को देख के और भी मन में है ना खुशी है कि हमारे युवा आगे बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उम्मीद है जब तक युवा को हम एंगेज नहीं करेंगे तो एक राज्य या एक देश का उन्नति के लिए हम सोच नहीं सकते हैं। पहला पायदान है हमारा मेंबर बैठा है तो इसके तो शायद इन लोग को ज़्यादा पता होगा और कितने एक्टिविटीज़ चलेगा वो तो आप कुछ बताएंगे। तो सर इसमें जैसे जो हमारा जो मेन प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMGP का, उसके अंडर हमने लास्ट ईयर 222 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करी है जिसका सब्सिडी अमाउंट अप्रोक्सीमेट 8 करोड़ का है। 8 करोड़ हमने वेलकम एड्रेस में बताया था 8 करोड़ ये किया। और स्कीम पान फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वो हमने अरुणाचल प्रदेश में हमारे लोअर सबनसरी में शुरू किया। एरी सिल्क कम प्रोडक्शन सेंटर एट तवांग लाऊ विलेज में वेरी इंटीरियर एरिया उसमें भी हमने शुरू किया। हमारा ऑनरेबल चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना जी आए थे तो उसमें भी हमने शुरू कर दिया और बहुत एक्टिविटीज चल रहा है। और हमने लास्ट टाइम UPI में भी पिकल मेकिंग इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन किया, जीरो में भी अगरबत्ती मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया और बी कीपिंग में नमसाई में बहुत बड़ा से चल रहा है, चलने जा रहा है, जीरो में भी चलने जा रहा है। और KBIC का बहुत एक्टिविटीज चल रहा है, आप सभी को मालूम नहीं है। KBIC अभी हम लोग जोरदार से लग रहा है, मैं जब से वन एंड हाफ ईयर्स हो रहा है तो कोशिश कर रहा है। और मैं नॉर्थ ईस्ट का मेंबर हूं और अरुणाचल मेरा होम स्टेट है तो अरुणाचल के लिए मेरा बहुत प्यार भरा है और कोशिश करूंगा आगे बड़ा वैल्यू का एडवाइस से। थैंक यू। PMGP में जो लास्ट ईयर का जो हमारे थे वो 222 हैं और पिछले 5 साल के मिलाकर 1235 जो हैं टोटल बेनिफिशियरी अभी तक हुए हैं, जिनको अलग अलग 35% ग्रांट मिलती है, किसी को 25% ग्रांट मिलती है, वो रूरल और अर्बन एरिया के हिसाब से ही ग्रांट डिसाइड होती है। देखिए जो ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, जो एसोसिएशन खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड जो स्टेट गवर्नमेंट का बॉडी है और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर वो भी स्टेट गवर्नमेंट का बॉडी है, इन तीनों के साथ कोलाब्रेशन में हम ये काम करते हैं। जो KVIC की मेन स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर अप टू 50 लाख का लोन प्रोवाइड करता है विद सब्सिडाइज 25% या 35%, दैट डिपेंड अपॉन द वेदर इट्स अर्बन और इट्स ए रूरल एरिया। तो उसके अलावा हमारा सफूर्ति का स्कीम रहता है जिसमें हम स्कीम फॉर फंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जैसे कि इसमें जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज या क्लस्टर हम डेवलप करते हैं उसके अंदर 50 लोग मिनिमम उसके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है या कोई NGO है जो 50 लोग के साथ एक पर्टिकुलर काम करती है, तो वो भी एक हमारी स्कीम है। इसके अलावा हमारे खानी मिशन का प्रोग्राम रहता है जिसमें हम बेनिफिशरीज़ को सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या SLRM के थ्रू सेलेक्ट करते हैं और उनको हम हनी बी की ट्रेनिंग देते हैं और उनको बी बॉक्सेस भी प्रोवाइड कर जाते हैं जिससे वो खुद का अपना सेल्फ डेवलपमेंट भी कर पाएँ और जो उनकी जनरेशन एम्प्लॉयमेंट की वो भी कर सकें। इसके अलावा जो हमारा कुछ स्कीम्स रहती हैं जैसे ABFPI हम उसको बोलते हैं, एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उसके अंदर हम पिकल मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग देते हैं, जो UPI में RCT इंस्टीट्यूट है वहाँ पर हमने 30 लोगों को ट्रेनिंग दिया है और उनको मशीनरी भी प्रोवाइड करवाई जाती है जिससे वो पिकल मेकिंग के लिए खुद आत्मनिर्भर की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा फिर हमारी कुछ और स्कीम भी रहती हैं, जैसे हम अलग अलग कुछ खादी के प्रोग्राम रहते हैं, जैसे हमारा एक खादी का भी इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश सेवा संघ में, उसमें हम खादी रिपोर फ्रेम डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर उसमें हम उनको चरखे और जो लूम्स रहते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। फिर इसके अलावा हमारा एक एरी सिल्क का ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर है जो कि लहू में तवांग में अभी फेबररी में ही उसका इनोग्रेशन हुआ है, वहाँ पर भी अप्रोक्सीमेट अभी तक 40 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और वहाँ पर जो ट्रेडिशनल मोनपा गारमेंट्स भी बनते हैं। इसके अलावा जो हमारा लोअर सबनसरी में एक चुल्लू विलेज के नाम से है जो गवर्नमेंट ने उसको एक तरह से टूरिज्म के लिए भी काफ़ी अट्रैक्ट किया है, वहाँ पर भी हमने एक एरी सिल्क का ही ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर भी बनाया है जिससे वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग भी मिलती है और वहीं पर आकर वो अपने डिफरेंट आइटम्स हैं वो भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जो सर्टिफिकेट है उनको 10 डेज़ की यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है, अगरबत्ती से पहले मशीन कैसे चलाना है और उससे जो उसका प्रोडक्ट बनेगा उसको कैसे सेल करना है, और उसके अलावा जो 20 लोगों को तो यहाँ पर ट्रेनिंग मिली 20 लोगों को जीरो में ट्रेनिंग मिली है, तो उन्हीं में से 2 लोगों को हमारा जो गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है कन्नौज में UP में जो इंडिया में सिर्फ एकमात्र ही इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर भी उन 2 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। उसमें 10 डेज़ की ट्रेनिंग थी, उसमें उनको पूरा डिटेल बताया गया भी अगरबत्ती का कैसे बनाना है, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कैसे उसको सेल करना है। तो इस तरह से जो ये आज का प्रोग्राम था वो अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग के मशीन डिस्ट्रीब्यूशन पे ही था। आपको नहीं लगता कि सिर्फ 2 लोग को बेचना बहुत ही कम मात्रा है? नहीं, ट्रेनिंग जो वो मास्टर ट्रेनर की तरह काम करते हैं, मतलब वो क्या है
वो इन सब जो यहाँ पर 20 लोग हैं उन सबको ट्रेनिंग देना उनकी कंपलसरी रहती है, उनकी कंपल्शन रहती है। फिर अगर उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा इशू रहता है तो हमारा डायरेक्टली कॉलेज के साथ भी टाई अप रहता है, तो जो वो मास्टर ट्रेनर हैं वो अपना अगर उनको कुछ मशीन में प्रॉब्लम आती है वो जो 10 डेज की उनको वहाँ ट्रेनिंग मिलती है, जब वो खुद 100% सेटिस्फाई हो जाते हैं भाई हम इस मशीन को अच्छे तरीके से रन कर पाते हैं, तभी उनको वो वहाँ पर सर्टिफिकेट मिलता है, फिर वो आके यहाँ पर जो अदर बेनिफिशरी हैं उनको ट्रेनिंग करते हैं। सर, आप लोग का जो यहाँ में प्रोडक्ट है वो मशीन से किया जाता है, हैंडमेड नहीं होता? नहीं, ये तो अगरबत्ती है, अगरबत्ती तो मशीन से ही बनेगी, जो उसका मिक्सर है वो सारा हैंड से बनता है, बाकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मशीन से बनता है। क्योंकि रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं यहाँ? रॉ मटेरियल गुवाहाटी से अवेलेबल हो जाता है। यहाँ में भी है कुछ कुछ जैसे कि बैम्बू? नहीं, जो जो रॉ मटेरियल में जैसे स्टिक है वो तो यहीं लोकली अवेलेबल हो जाती है, बल्कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यही मिशन है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में क्या बैम्बू का प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो जो जितनी भी ऑटोमेटिक मशीन्स लग रही हैं वो सारी नॉर्थ ईस्ट में ही शिफ्ट हो रही हैं। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट होता था पहले अगरबत्ती का वो भी बैन कर दिया था, उसकी वजह से क्या अभी डिमांड इतना ज़्यादा हो गया है और हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे नॉर्थ में या साउथ में अभी तवांग में भी हम देख रहे थे जो अगरबत्ती है वो केरला से अगरबत्ती आ रही है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी बहुत सारा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्रोग्राम है, ताकि जो बैम्बू का यूटिलाइजेशन है वो, क्योंकि स्टिक तो ज़्यादा ही है वो सारी बैम्बू से ही बनती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट का प्रशासन यहाँ पर जोड़ा ज़्यादा है। जो हम लोग खादी बोर्ड को जो दिया है ये ट्रेनिंग रन करने के लिए हम लोग दिया है, एक ट्रेनिंग सेंटर खोलेगा जो एडवांस 3D टेक्नोलॉजी को वो अपलिफ्ट करेगा, एंड जैसे कि हालांकि पहले हमने दिखाया कुछ कुछ जो उसका पिनिश प्रोडक्ट है, जैसा हमारा लोकल ऑर्नामेंट्स है एंड बहुत सारा जो लोकली हम लोग पहनता जो है पोशाक वगैरह, तो उन चीज़ों को भी हम लोग मॉडर्न डेज में हम लोग एज ए की चेन, एज ए होम डेकोरेशन आइटम, या तो कोई सोवेनियर का फॉर्म में भी हम लोग गिफ्ट कर सकता है अदर देन ये लोगों को, तो 3D प्रिंटर इसमें काम करेगा। एंड इन कमिंग डेज ऑल्सो जैसे कि बहुत सारा डेवलप कंट्री में आप देख सकते हैं 3D प्रिंटर अभी घर भी बना रहा, तो होपफुली ये हमारा युवा लोग को ट्रेनिंग करके काफ़ी मदद करेगा इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में। अभी जो 3D प्रिंटर से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि रीयूज प्लास्टिक को भी हम लोग प्रोसेस करके कर सकते हैं, इसको इसके लिए हम लोग कोई रॉ मटेरियल कहीं बाहर से लेना ज़रूरी नहीं, यही प्रोसेस होगा तो यही से प्रोडक्ट निकलेगा, तो आप समझ सकते हैं ऑटोमेटिकली रेट भी रिड्यूस हो जाएगा, ये दूसरा जैसा खिलौना जैसा रेट नहीं रहेगा, इसका बहुत ही कम रेट रहेगा, उसके लिए भी हम लोग अभी तैयारी कर रहा है कि किस तरह से इसका रेट रहेगा, अभी मार्केट लॉन्च हम लोग सुन आप लोगों को भी बताया जाएगा जब हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करेगा।